बलौदाबाजार की बात करेंगे जहां पर फॉरेस्ट इलाकों में शिकारियों का दल सक्रिय हो चला है। बलौदाबाजार जिले के नारायणपुर में चार लोगों ने जंगली जानवर की शिकार करने की नियत से करंट बिछा दिया गया। बिछाए हुए 11 केवी हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से खरगोश खगेश चौहान की मौत हो गई है। बता दें कि घर से मृतक खगेश दोस्त के साथ गाय को ढूंढने निकला था, इसी बीच करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। खगेश चौहान की मौत के बाद चारों आरोपी भागने की फिराक में थे। वन विभाग की टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार फिलहाल कर लिया है, जबकि एक मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। दो व्यक्ति जिसमें एक युवक था जो गाड़ी चला रहा था, बाइक थी उनके पास, वो 26 वर्षीय था, खगेश नाम था, और अपने साथी एक नंदलाल, ये दोनों अपने जो मवेशी थे उसको ढूंढने के लिए उन लोग निकले थे। दोनों नारायणपुर ग्राम के निवासी थे और रात्रि को जब वो जा रहे थे तो उनका सामना वो जो तार बिछाए थे उन लोग लगभग 400 मीटर दूर तक के, जो आपका 11 केवी की विद्युत लाइन जाती है उससे हुक फंसा के वो 400 मीटर तक के फंसाए थे। उसमें 23 को अस्पताल में हमको प्राप्त हुआ कि खगेश कुमार चौहान और अपने मित्रों के साथ में ये अपने गाय चराने गाय को खोजने के लिए जा रहे थे। इसी दरमियान करंट लगने से वो बेहोश हो गया, उसके परिजन अस्पताल लेकर आए और इलाज के दौरान खत्म हुआ, जिस पर मर कायम कर जाँच कार्रवाई में लिया गया। जांच के दौरान पाया गया कि मृतक को करंट लगने से मृत्यु हुई है, जिस पर से थाना कसडोल में 304 ए विद्युत अधिनियम के तहत कार्रवाई